राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि सूडान ट्रंप प्रशासन के दौरान इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश बन गया है। यह रेखांकित करते हुए कि मध्य पूर्व में राष्ट्रपति के राजनयिक प्रयास उनके पहले कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति की उपलब्धि साबित हो सकते हैं। यूएस इजराइल सौदा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का वादा करता है जो वे लोकतंत्र की असुविधा के बिना तरसते हैं। और हाल के वर्षों में अधिक व्यापक रूप से मध्य पूर्व में क्षेत्रीय राजनीति नाटकीय रूप से बदल गई है। सूडान के साथ सौदा यकीनन अधिक महत्वपूर्ण है। जब वे अपने समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं तो यूएई और बहरीन इसराइल के साथ युद्ध में नहीं थे, सूडान और इसराइल थे। इसका मतलब यह है कि पहले दो समझौते सामान्यीकरण सौदे थे, लेकिन सूडान के साथ यह एक शांति समझौते के रूप में अधिक सटीक रूप से वर्णित किया जा सकता है। सूडान में ताकतें हैं, विशेष रूप से इस्लामवादियों और पिछले शासन के अवशेष जो सरकार को गिराने के अपने प्रयासों में रैली रोने के रूप में सामान्यीकरण का उपयोग करते हैं। यह ट्रंप की विदेश नीति के लिए एक और जीत है जिससे उन्हें कड़वी फिर से चुनावी लड़ाई से पहले अच्छी खबर मिली। सूडान लोकतंत्र के लिए एक नाजुक रास्ते पर है। पिछले साल एक लोकप्रिय विद्रोह के बाद सेना ने लंबे समय तक ऑटोकेट उमर अल बशीर को उखाड़ फेंकने के लिए नेतृत्व किया था। एक सैन्य नागरिक सरकार देश पर शासन करती है जिसमें 2022 के अंत में चुनाव संभव हैं। सूडान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने कहा कि समझौता अभी भी सूडानी विधान परिषद से अनुमोदन पर निर्भर करता है, जो कि अभी तक गठित नहीं हुआ है क्योंकि सरकार संक्रमण के साथ जाती है। विधान परिषद के गठन के माध्यम से संवैधानिक संस्थानों के पूरा होने के बाद इजराइल के साथ सामान्यीकरण पर समझौता किया जाएगा। यह सामान्य करने के लिए एक समझौता है, यह अभी तक सामान्यीकरण नहीं है। हमें विधान परिषद सहित सूडान के लोकतांत्रिक संस्थानों के कार्यशील होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसलिए हम इस कदम के अनुसमर्थन को पूरा कर सकते हैं, इसलिए यह वास्तव में सामान्यीकरण हो सकता है।